गाइस, तो आज हम जा रहे हैं हरिपुर यार। लेट्स सी वहां पे स्नो पड़ती है कि नहीं पड़ती है। सो गाइज हम रेडी हो चुके हैं। देखो तिलक तुलक लगा के तनिष ने तो ब्लेजर कैरी की, ऐसी लगी जैसे एयर होस्टेस है। टिफिन ले रखा है, इतने पराठों का पहले इंतजाम कर लिया क्योंकि खाना पेट भरा रहेगा तब इंजॉय कर पाएंगे, नहीं तो ठंड बहुत ज्यादा लगेगी। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, मेरा लुक देख सकते हो आप। मैंने देखो मैं भी पूरी पैक होगी, जैसे मेरे को चंद्रयान चंद्रमा पे जाना है, पूरी जैकेट जुकेट पहन के। हालांकि धूप निकल रही है बट फिर भी हम रेडी हो चुके हैं। धूप आ रही है और जा रही है, और देव पहले से ही गाड़ी में शायद बैठ चुका है मेरे हिसाब से। और मौसम आज का फिर भी वेदर थोड़ा यहाँ पे तो ठीक है क्योंकि धूप निकल रही है हल्की हल्की, और वहाँ पे जाके देखते हैं कैसा मौसम है। तो गाइज हम चल आ चुके हैं रास्ते में, ये अभी निकले ही हैं हम घर से। यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है गाड़ी का, गाड़ी गिर गई है यहाँ पे। एक सारे लोग हैं जो पब्लिक है, सारी रुक रुक के देख रही है। बैक साइड में गाड़ियाँ बहुत सारी रुकी हुई है, मैं दिखाती हूँ आप। तेज आ रहे हैं भागते हुए, कितना बहुत ज्यादा क्रश हो रहा है, बहुत सारा जाम लग गया है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हो आप। शुक्र है किसी को चोट नहीं लगी है, हल्की फुल्की चोट लगी है, बच गए हैं। थोड़ा सा थोड़ी बहुत तो लगी होगी लेकिन बचाव हो गया, थैंक यू श्री राधा रानी ने बहुत कृपा की है। पेड़ के ऊपर गिर गया और हम चल चुके हैं। ऊपर लग के स्लो हो गया, गाइज हम रेणुका जी आ गए हैं। ये परशुराम रेणुका जी हैं, जो वो परशुराम जी की माता का स्थल है, मंदिर है यहाँ पे बहुत अच्छा। और हम यहाँ पे आए हैं, सेजल का बहुत बुरा हाल हो गया वोमिट कर करके, और तनिष और मैं तो ठीक है। देव को भी, देव भी दिखा, देव ये पता नहीं क्या क्या खा रहा है, पी रहा, शक्ल ऐसी बारह मतलब ये भी सोने वाला था। और यहाँ पे ना बहुत प्यारी प्यारी बहुत सारी ये क्या है, रेणुका झील है ये, यहाँ बहुत ज्यादा फिशेज हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा इसके अंदर बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, दिखाएंगे हम आपको। जब इसमें कुछ खाने के देंगे ना तब ये यहाँ पे एकदम बहुत है। और ये रेणुका झील का क्या मान्यता है, ये बहुत गहरी है, इसका कहते हैं नाप लिया था इसके अंदर रस्ते डाल के, और इसका ना इसकी गहराई नहीं नाप पाए थे, बहुत गहरी है ये। धूप में इधर से ठंडा पानी है। सो गाइज हम आ गए हैं यहाँ पे रेणुका जी झील के साइड साइड में है, जो मतलब बाउंड्री बनाई हुई है, वहाँ पे इन्होंने जू बनाया हुआ है ताकि जू देखते हुए आराम से इसकी परिक्रमा कर सकें। हम पहले भी आए हुए हैं यहाँ पर, हमने परिक्रमा भी की है, थक गए लेकिन उस टाइम गर्मियों में आए थे, अब कि हम सर्दियों में आए हैं। और तनिष भी आई है बेचारी, हम इसको भी लेके आ गए हैं। बेचारी का मन था हम लेकिन इसको मना कर रहे थे कि मत आ, हमारा ऐसा कुछ नहीं है गाइस, बस मम्मी अपनी देव का मन है। देव ना बचपन में आया था, बहुत छोटा था, तो उस टाइम यहाँ पे लेपर्ड थे, तो अभी भी ये बोल रहा कि मुझे लेपर्ड देखने, मुझे नहीं पता, हम मना कर रहे थे लेकिन नहीं। और अभी बोल रहा था कि मेरा मन कच्चा हो रहा है, मेरे को वोमिट जैसा लग रहा है, बट अब ये ठीक हो गया, लेपर्ड का नाम सुनते ही ये ठीक हो गया। अब हम धीरे धीरे जा रहे हैं, देखो तेज भी दिखा कैमरा घुमा, तेज देव एक्साइटमेंट में भागे जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। और मैं तो हूँ ही एक्साइटेड क्योंकि मुझे हरिपुर धार जाना था, हम पहली बार जा रहे हैं हरिपुर धार, तो बीच में पहले रेणुका जी आता है, इसलिए हमने पहले सोचा कि चलो रेणुका जी के दर्शन कर लेते हैं। श्री परशुराम भगवान जी के दर्शन हुए, फिर रेणुका माता जी के दर्शन किए, उसके बाद हम निकल पड़े हैं रेणुका झील की ऐसे परिक्रमा करते हुए। रेणुका झील में देखो इतने बड़े बड़े पेड़ भी है जो बहुत गहराई में होते हुए भी इसके अंदर पेड़ है, इसके अंदर अगर जो कोई डूब जाएगा तो बच नहीं पाएगा। और इनकी मछलियों की स्पेशल ये है कि यहाँ की इसकी मछलियाँ जो कोई भी निकाल नहीं सकता, मतलब खा नहीं सकता, कहीं लोग खाते भी है ना मछलियाँ, तो ये इसकी मछलियाँ नहीं निकालते हैं। ये कहते हैं रेणुका माता जी का क्या वरदान है। गाइस ये नेचुरल फॉल है, ये इसको दूधिया पानी भी बोलते हैं। और इसमें पहले ये जो पानी था ना, दूध आता था यहाँ पे, और अब पानी कहने लगे कि ना लोग हैं जो बेचने लगे, लालच करने लगे, तो इसलिए माता ने फिर यहाँ पे पानी, ये नेचुरल पानी है, ये दूध जैसा टेस्ट होता है, इसको पीते हैं सब। इससे क्या है कि दुख तकलीफ सब जो है दूर हो जाती है, जिसको रोग वगैरह होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है, हाँ सुख प्राप्त होते हैं। ये होली वाटर है, इसको जरूर पीना चाहिए, धारण करना चाहिए हमें, जिससे हम डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। देव है जो लेपर्ड देखने के लिए बड़ा एक्साइटमेंट था। देव कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ये खुश हो रहा है बेचारा। देखो यहाँ पे एक ही बैठा हुआ है, एक उधर, दो उधर है पीछे। नहीं तेंदुआ नहीं देखो, गूगल पे जाके देख लियो। रियल में लगी मजा आता देखने का।
पूछा, बहुत कोशिश करी मामू ने, पर ये मना कर रहे कि अंदर जाके नहीं दे सकते, यहाँ से रास्ता है गाइस इधर से। तेज और तनिष और निकल चुके हैं हमसे आगे, और मैं और सेजल है जो बेचारे पीछे रह गए हैं। और यहाँ पर जंगल भी घनघोर है, यहाँ पर डर भी बहुत लग रहा है। अब हम सोच रहे हैं कि दौड़े बहुत तेज दौड़ेंगे हम तभी पहुँच पाएंगे। सेजल 1 2 3 एंड रेडी, बहुत तेज दौड़ना पड़ रहा है हमें। और गाइस हम पहुंच चुके हैं, देखो आपको दिख रहा हो तो हम दूर वो दिखने स्टार्ट हो गए। हमें थोड़ा सा डर अब कम लगने लगा है क्योंकि वो हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर जो हमारे पास ऊपर शेर वगैरह कोई भी अटैक करता है तो वो शायद सुन के हमें देखने के लिए आ जाए, बचा तो वो डेफिनेटली हमें पाएंगे नहीं क्योंकि शेर की ताकत तो आप जानते ही हो। सो गाइस हम यहाँ पे खाने के लिए बैठ चुके हैं क्योंकि सबने वाह करके निकाल दिया था खाना, देव ने, स्पेशली देव और सेजल ने, और इनको भूख लगी थी। रेणुका जी से ही बोलने लगे थे सेजल की भूख लगी, मैंने कहा वाह करके खा लेना तो इनको मौका नहीं मिला खाना खाने का। तो हम यहाँ बैठे हैं पहाड़ी एरिया में, बहुत ज्यादा ठंड है, हमने जैकेट पहनी हुई है बट फिर भी बहुत ठंड लग रही है। तनिष तो ये बोलते हैं, तनिष को देखो कैसे बैठी है, कह रही है कि ज्यादा ठंड नहीं लग रही मेरे ब्लेजर में बट ठंड बहुत ज्यादा, मैंने जैकेट पहनी है देखो फिर भी मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। नीचे वूलन पहना हुआ है, उसके अंदर टी शर्ट पहनी है, उसके अंदर इनर पहना हुआ है, इतने पहनने के बाद भी ठंड लग रही है। और देव को भी वोमिट हो गई थी बेचारे को, लेकिन ये लाया है देखो, यही खाता रहता है, चिप्स खाए थे बेचारे, ही मिलते ही रहते हैं। आपने खा लिया ना घर आ रही वाली? मैं जा रही अपने पापा पास। अच्छा ये भी घर वाले खाना खाते, ये इसके मनपसंद की चालू भुजिया, बालू भुजिया कौन सी होती है जो आलू भुजिया, सॉरी हाँ वो नहीं। सो गाइस हम पराठे खाने लग गए और अचार भी आ गया। चाय की गिलासें देखो कितनी छोटी छोटी है, बड़ी अच्छी है, चाय अच्छी बनाई है। टिंडी का चाय है, हाँ ना टिंडी का, घर का चाय है, घर का चाय है क्या इनका, घर का चाय अलग है। गाइस हम खा भर के पराठे परोठे चाय वगैरह पी के हम निकल चुके हैं फिर अपनी डेस्टिनी की ओर। हमें हरिपुर थार जाना है, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, बच्चे भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तेज शायद चौथी पांचवी बार जा रहे हैं, पांचवी छठी बार आई थिंक, क्योंकि अभी हाल में ही जाके आए हैं। हम बाहर निकलते हैं ना, बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है, पानी में हाथ भी नहीं जा रहा है। और अब आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला, बाहर आग भी चल रही है, हाथ सेकेंगे तब जाके थोड़ा सा सुकून मिलेगा। सो गाइस शाम के 6:30 हो चुके हैं, अंधेरा हो गया है और चांद भी निकल गया, हम लेट हो गए। मॉर्निंग में हमें चले थे एक, नहीं मॉर्निंग में नहीं चलते हम, 1 बजे चले थे, हमने सोचा था कि भी 6 बजे पहुंच जाएंगे बट नहीं पहुंच पाए हैं, हम अंधेरा हो चुका है बहुत, क्योंकि रेणुका जी भी, हमने रेणुका जी हमारा काफ़ी टाइम लग गया देव की वजह से, और अब अंधेरा हो चुका है। और ये भी बिल्कुल सिंगल लाइन है, यहाँ पे रात को चलाते हुए डर लगता है क्योंकि नीचे इधर इस साइड खाई है और इस साइड पहाड़ है तो डर बहुत लगता है। सो गाइस अब देखते हैं। सो गाइस हम हरिपुर धार पहुंच चुके हैं और अभी हमने गाड़ी रोकी है, रूम तेज गए हैं रूम देखने के लिए। यहाँ पे जो रूम है ना बहुत कॉस्टली मिल रहे हैं, 1 नाइट स्टे के 1000 रुपीज है, और थोड़े भाव भी खा रहा है वो क्योंकि उसको पता है कि इनको नीड है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि थोड़े कम कर लो, कहते हैं कि नहीं हम नहीं कम करेंगे इसीलिए। और यहाँ पे ना कुत्ते भी है देखो, ये देखो पप्पी, हेलो, ये देखो बिस्किट खाने के लिए आया था, ये देखो एक ये बैठा हुआ, इसको भी बिस्किट चाहिए, ये भी देख रहा है, एक वो रहा हेलो, कितना प्यारा देव है, जो देव पपियों को इकट्ठे, पपी नहीं बड़े बड़े डॉग हैं, इनको इकट्ठे कर रहा है, कभी किसी को बिस्किट कभी किसी को बिस्किट दिए जा रहा है देखो ये खड़ा है और एक को बिस्किट, हाँ शायद बट मैंने कुछ नहीं किया, थक चुकी हूँ मैं, हम बिस्तर ताड़ के सो लेट चुके हैं और तेज गए हमारे लिए चाय का एक प्याला लेने, और तनिष और क्या नाम है देव चटोरे हैं, उनको खाना दोबारा से फिर चाहिए, मैंने और सेजल ने मना कर दिया लेकिन फिर भी हमने सोचा कि भी चलो कोई चाय एक दो दो हम खा लेंगे फिर भी रोटी, हमने ये बोला है और हाँ अगर जो नहीं भी खाएंगे जो बची कुछ होंगे ना सुबह खा लेंगे। सेजल और मम्मा तो ऐसे कर रही थी जैसे इनको कुछ खाना नहीं है, फिर जब खाना आ जाएगा तभी इनके ये इधर ना आएंगे सबसे पहले, ये इनकी स्पेशलिटी है, हम वेस्ट नहीं करते ना खाना, हम नहीं हम खा लेंगे पर इनको खिलाना होगा।
So guys, रात के नौ नहीं साढ़े नौ हो गए होंगे, साढ़े दस बज चुके हैं शायद, मेरे हिसाब से दस बज चुके हैं। और क्या नाम है, हमने खाना खा लिया, खाना इसलिए खाना खा लिया हमने, दाल लेके आए थे तेज और मिक्स वेज और चपातियां चप 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 करके हम मना कर रहे थे, हालांकि कि हम नहीं खाएंगे। मैंने और सेजल ने हमने ऑर्डर कैंसिल करने को कहा था, हम नहीं, हमारे लिए मत लाना, बट ऐसे बोलते रहते हैं कि मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, हम दोनों ने मना किया था, बट मेरे को तो जबरदस्ती खैर खिलाया इन्होंने कि भी खा ले। सेजल भी बैठ गई प्लेट लेके, और बल्कि जब खाना आया था ना तो सबसे पहले नीचे से चलो देव घर से। हाँ, क्योंकि ना इनको ये कहते तो हैं कि भाई हमारे लिए खाना मत लाना, लेकिन खाना देख के इनके जीव मैं नहीं कहता, मैं तो पहले खाने का इज्जत हूं। मामा कहते हैं एक और रोटी खा लो, एक और रोटी खा लो, फिर मैंने कहा नहीं, हाँ भी हो जाएगा, फिर मेरा। और हमने खाना खा लिया और तेज देखो वो उठा के ले जा रहे हैं जो डिस्पोजल्स है, क्योंकि हमने खाना खा के हमने डिस्पोजल वहाँ साइड में रख दिए थे, अब डस्टबिन में मॉर्निंग में थ्रो करेंगे, तो रख दिए हमने डस्टबिन में, देखते हैं हम क्या करते हैं। कल मॉर्निंग में हम जाएंगे फटाफट नहा के रेडी होके, इसलिए अब जा रहे हैं हम सोने के लिए। सो गाइस गुड नाइट। सो गाइस रात को ग्यारह बज चुके हैं, ग्यारह लेकिन हम स्टोरी सुन रहे हैं महादेव की बैठे हुए, तेज देखो कैसे बैठे हुए हैं, तेज हाय अगलो ऑरेंज आज मिस्टर तेजपाल, मैं इस बार इनको लेके आया बच्चों को हरिपुर धार, और ये बच्चे जो है सब बड़े क्यूट है, क्यूट है, ये पापा जी आप अकेले अकेले चले जाते हो, हमें कभी नहीं लेके आते, लबाओ इस बार मैंने इन बच्चों की जिद को पूरा किया, और यहाँ माता बंग्यानी देवी के हम चरणों में आज हमने रूम लिया, यहाँ से 2 किलोमीटर चढ़ाई पे चढ़ के गिर गया माता बंग्यानी देवी, मैंने पता था तो अच्छे ही काम कर सका, यही उम्मीद थी, मना कर जी का मंदिर है वो गिरती है किन्नू नीचा, सुबह आपको फिर सब मिलेंगे, एक तो गिर गया था दूसरा, दो तीनों बच्चे हमारे पागल ही हैं, ये मुझे एक एक मैं बोल रहा हूँ पूरा संतरा दो, लेकिन एक फाड़ी दे दो So guys, ये सीन चल रहा है यहाँ पे, देव ने जो ऑरेंज है वो गिरा दिया है, और हम लगता है कि देव ऐसा है लड़का की, और अब हम फिर से स्टोरी सुनेंगे। स्टोरी टाइम।